जीप ले जाने वाला और कोई नहीं तुम्हारा भाई था। मेरा भाई? तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की, तुमने भी धोखा दिया। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। रहने दो राम, मुझे कोई सफाई मत दो। अब और अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करो। मेरा बेटा उस दिन नहीं मरा था, आज मरा है। तुम्हारी वजह से मर गया, तुम हो उसके कातिल। जीप उस दिन तू ही ले गया था। जीप तू ही ले गया था या नहीं? नहीं। पता है उसमें क्या था? शिवा रेड्डी के सारे काले कारनामों के सबूत थे उस जीप में। ए, सच्चाई क्या है तू नहीं जानता? शिवा रेड्डी तुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने मारा उसे। उसी का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मानता जीप चुराना गलत बात थी, लेकिन वो मार देता तुझे। ए! जिस दिन खाकी वर्दी पहनी थी उसी दिन मैंने कफन पहन लिया था। मौत से डरा रहा तू मुझे? तू कोई भी बहाना बना ले, तेरी गलती छिप नहीं सकती। एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर की ईमानदारी पे कीचड़ उछलवाया तूने। एक गुंडे और पुलिस ऑफिसर के बीच हुई प्रॉब्लम में पता है तूने क्या किया? तू हमारी फैमिली को घसीट कर ले आया। तेरे बचपने की वजह से हमारी फैमिली आज सड़क पर आ गई है। मेरा जॉब और मेरी इज्जत जाने की वजह तू ही है। मेरी गलती नहीं है यार। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं कह कह कर तूने मेरा कैरेक्टर ही गलत साबित कर दिया। रे अपनी गलती को तू पहले से ही जानता था और उसी गलती को छुपाने के लिए तूने प्यार का नाटक किया और अपने इस भाई को इतना बड़ा धोखा दिया। आर यू हैप्पी नाउ? अरे नहीं भाई, तेरी परछाई भी हम लोगों पर नहीं पड़नी चाहिए। अरे तुम्हें क्या हुआ? अरे संभालो अपने आप को। माधव शिवा रेड्डी। लेकिन मुझे ऐसे मत बुलाना। नाउ कॉल मी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। यू आर वेरी लकी फेलो यार। यही अगर गुंडा शिवा रेड्डी होता तो कब का तू मर चुका होता। गुंडागर्दी में क्या एक फटका मारा जान निकल जाती है, लेकिन 24 आवर्स में एक फैमिली फिनिश। 24 आवर्स में एक पुलिस वाले की जिंदगी फिनिश। 24 आवर्स में लीगली बनाया घर गोल। 24 आवर्स में ही तेरी जिंदगी भी उल्टी लटक गई। यही होता है पावर का मजा। दिस इज शिवा रेड्डीज पावर गेम के अब तू मुझसे जुड़ गया है। रेस शुरू कर दी है तूने माधव शिवा रेड्डी। नाइस नेम। तू भी मेरी तरफ पागल है क्या? यस। तो चल दोनों रेस में दौड़ते हैं। तुम्हारे लोगों में मैं किसको मारूंगा, कब मारूंगा, कैसे मारूंगा मुझे भी नहीं पता। पर मुझे तुम रोकोगे। रोक के दिखा। बचा लो, उनके मरने के बाद तेरी ही मौत है। संभाल कर शिवा रेड्डी। रेड्डी अंकल अपने बेटे को संभालना, अगर इसे कुछ हुआ तो आपकी गर्दन उड़ा दूंगा। पावर मंत्री सड़क बहुत खराब है, सीट बेल्ट लगा लेना। ओ माय गॉड, जल्दबाजी में इसे उठा मत लेना। मंदिर में 1000 नारियल चढ़ाऊंगा, इसे जिंदा रखना भगवान। इसकी जान अब आप नहीं लोगे, इसकी जान लेगा ये लग के। ए बारिश आ गई, संभल कर ड्राइव करना रे। हैप्पी जर्नी।
तुझसे कहा था ना मुझसे रेस मत शुरू करना शिवा रेड्डे, भाग साले भाग वरना तेरी पॉलिटिकल पावर को ये बेलगाम घोड़ा अपनी हॉर्स पावर से मारेगा। छोटे भाई, छोटे भाई, बाप रे, ओ माय गॉड। अब मैं गांव जा सकता हूं मिनिस्टर। पूरी फैमिली को क्लीन बोल्ड कर दो। बेवकूफ, उन लोगों को सीधा यहाँ से शमशान पहुँचाने का था। अरे, अरे, अरे ये क्या हो गया? ये खुद क्यों नहीं रहा? दरवाजा खोलो। जोर से चलाओ और उड़ा दे उन्हें। अरे कोई बचा? अब रुकने का नहीं। चल दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। फुल स्पीड आगे बढ़। Bring the action. Oh my God! इंस्पेक्टर लकी के एरिया में राउडीज़म। ये पुलिस ऑफिसर कैसे? छोटे भाई, अरे बाप रे बाप! Oh my God! Start, buddy. On. शुरू करो। ये क्या चल रहा है? अरे जल्दी लाओ, मशीन लाओ। Okay. All right. करंट लग रहा है साले। Doctor, इसे क्या हुआ है डॉक्टर? It's a leukemia cutaneous pulses the chamber of LX Z of 8-4- It's finally blood cancer. एक के अलावा चार लड़कियों के साथ घूमने पर होने वाली बीमारी है ना? नहीं नहीं, दैट इज लवेरिया। ये किस स्टेज पर है डॉक्टर? आखिरी स्टेज पर हूँ। अरे मेरे छोटे भाई, ऐसा मत बोल। अरे डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। I'll try. Oh, shit. राजा, तुम्हारे दिए क्रेडिट से हाई कमांड ने मुझे होम मिनिस्टर बना दिया। भले ही इस राज्य को बेचना पड़े, मैं तुम्हारा कर चुकाऊंगा। हेलो, यू नो वी आर झकास, मत कर बकवास। आई एम स्पेशलिस्ट ऑफ दिस। बचना मुश्किल है। मेरे राजा को बचाने का और कोई चांस नहीं है। Only 2 days. उनकी कोई इच्छा है तो पूरी करके भेज दो। हे भगवान। राजा, इन 2 दिनों में तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो? लड़कियाँ चाहिए, बम चाहिए क्या, क्लब चाहिए क्या, हेलमेट चाहिए क्या? अरे क्या चाहिए बताओ। अरे ये सब बोलोगे तो जॉइंट में जोर लगेगा, जल्दी मर जाएगा। नहीं मरने दूंगा, आखिरी इच्छा पूरी होने से पहले नहीं मरने दूंगा। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ मुझे राजा, बताओ ना राजा। हमारे देश को क्रांति की जरूरत है सर। सोचा था पुलिस ऑफिसर बनकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे बोलो। मेरी आखिरी इच्छा है कि जिंदगी में पुलिस ऑफिसर बन जाऊं सर। पुलिस? लेकिन 2 दिनों में तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बनोगे? रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब होम मिनिस्टर सिर्फ इनकी ही वजह से है, इनकी दी हुई भीख है, और दो दिन में ये मरने वाले हैं, ये जानकर भी अब इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। इनकी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए ना बाबा, रोके बोलिए ना, बोलिए ना बाबा। सर, अपने दिल्ली में एक बच्चे को कैंसर हुआ था तो उसके एक दिन के आईजी बनने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। मैंने भी टीवी पर ऐसा सुना था। और केरिया में एक एड्स के पेशेंट टेररिस्ट बनना चाहता था, उसके पूरा पूरी कर दी था। वो भी टीवी पर आया था। सिर्फ इतना ही क्यों, मुझे भी तो डॉक्टर बनाया ना। जैसे आपको भी तो होम मिनिस्टर बनाया। या अरे राजा, रिलैक्स राजा। क्या एक दिन पुलिस ऑफिसर बनकर मैं आपके लिए पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता सर? राजा, ओह माय गॉड,
राजा ये तुम्हारी सर्विस क्या है मैं जानता हूँ। छोटे बच्चों को स्कूल लेकर जाना, अंधों को रोड पार करवाना। राजा जब तुमने आम आदमी रहकर ये सर्विस की तो मैं होम मिनिस्टर बना। तुम पुलिस ड्रेस पहनकर सर्विस करोगे तो मैं किस लेवल तक जाऊंगा ये सोचो राजा। सुन छोटे, अब मैं तुझे स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना रहा हूँ। ये एक होम मिनिस्टर का वादा है। तुम दो दिन के पुलिस ऑफिसर बन चुके हो। ओह माय गॉड। बैच नंबर 78, रोल नंबर 60, ट्रेन्ड इन देहरादून। ये मेरा सीक्रेटली तैयार किया गया वेपन है। आपकी मर्जी हो या ना हो, इस वेपन को यूज करना ही होगा। दो दिन के लिए एज ए पुलिस ऑफिसर इसे आपको स्वीकारना होगा। एक्सक्यूज मी सर, आप भी तो अभी अभी होम मिनिस्टर बने हो, फिर आपने इसे कब तैयार किया? इसकी इतनी औकात नहीं है सर। अच्छा तो इसकी इतनी औकात नहीं है? अपने आप को देखो, ये पेट है या तरबूज है? होम मिनिस्टर की बात नहीं मानोगे तुम? ओके सर, ओके। एनी डाउट्स? 48 आवर्स, तुम सिर्फ एक मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं रहे, तुम एक होम मिनिस्टर बन चुके हो। माय गॉड, एंटायर डिपार्टमेंट लकी को ही फॉलो करेगा। और कुछ चाहिए क्या? सर, सर मुझे एक फ्रस्ट्रेटेड पुलिस ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम चाहिए सर। इतनी सी बात? ग्रांटेड, ग्रांटेड, ग्रांटेड। तुम्हारे ऑर्डर्स, अगर कोई मानने से इनकार करता है तो इनसे उसकी बैंड बजा दो। दो दिन है तुम्हारे पास, जो मन में आता है कर सकते हो। राजा मैं तुम्हें बस दो दिन के लिए खुश देखना चाहता हूँ। सर एक बॉल फेंकनी रह गई सर। हाँ तो फेंक। 48 घंटों तक मेरे लिए इस दुनिया से कांटेक्ट छोड़कर एक चंडी यज्ञ कीजिए सर, तो मेरे बचने के चांसेस 1% से बढ़ जाएंगे। मेरे लिए इतना तो कर देंगे ना सर, प्लीज सर। यज्ञ शुरू हो गया है, जाकर लोगों की सेवा करो। अब 48 घंटों तक मैं ना किसी को दिखाई दूंगा और ना ही किसी को सुनाई दूंगा। पूजा स्टार्ट। हरे राम राम राम। इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने बॉस हैं। अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावर्स दूं तो क्या करेंगे? लेकर तो देखिए सर। जी सर। आप लोगों की ये सिंसियरिटी देखकर ही मैंने आप सभी के नाम सिलेक्ट किए हैं। आपको अल्टीमेट पावर्स इश्यू कर रहा हूँ। एक ही मकसद हो, बस जी भर के ड्यूटी करनी है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्रिमिनल मिनिस्टर शिवा रेड्डी। मुझे तो ये लोग भी पसंद आए, मुझसे ज्यादा तो इन्हें उस पर गुस्सा आ रहा है। उस शिवा रेड्डी को मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, चींटी की तरह मसल दूंगा। नो मोर डिस्कशन सर, बिल्कुल सही टारगेट दिया है सर। उस शिवा रेड्डी को दौड़ा दौड़ा कर पूरे शहर के सामने मारूंगा, उसके इलीगल धंधों को तबाह कर दूंगा सर। Yes, what next? Come on, tell me. Come on, tell me. Come on, tell me. बहुत फ्रस्ट्रेशन में लगते हो। Yes. फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? मेहनत करके किसी को रंगे हाथों पकड़ो तो नेताओं का प्रेशर। दिल्ली में गैंग रेप करने वालों को सजा देने के बजाय उनसे बातचीत किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मुझे पसंद आए सर, आपने मुझे पावर दी। चुटकी चुटकी बजा के सबकी बैंड बजा दूंगा। आप हो कौन? पांडे, किल बिल पांडे। आज ड्यूटी पर आने की वजह क्या है? शिवा रेड्डी का फैसला जो करना है। उसका फैसला करने में मुझे बहुत खुशी होगी। मी टू। टारगेट ऑन। हमारा टारगेट सिर्फ शिवा रेड्डी है। जब तक उसकी जड़ें खोद न लूं, हमारी फोर्स नहीं रुकेगी। यस सर। किसी की बात नहीं सुनेगी। यस सर। वी डोंट हियर एनीबॉडीज ऑर्डर। ओह माय गॉड।